गुड इवनिंग दोस्तों, 2020 के प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है और आप लोगों को जानकारी है ही कि 2021 का जो प्रीलिम्स होने वाला है वो शेड्यूल्ड है नवंबर में। ठीक है, यानी कि आपके पास बचे हैं 3 मंथ, तो इसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2020 में कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा है। इन सब चीज़ों पर अगर आप एक व्यापक नज़रिया रखेंगे तो निश्चित तौर पर 2021 के प्रीलिम्स में सक्सेस रेशियो बढ़ेगा और 2021 का एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा भी क्यों कह रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, फिलहाल आज सिलेबस और जो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं और बुक्स क्या होनी चाहिए आपकी रेफरेंस बुक, उन पर बात करेंगे। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस तो आप लोगों के पास होगा ही, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। मेंस 2020 एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ वीडियोस बाद। अभी हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो लगभग 100 डेज का, जितना भी कंटेंट आपको इम्पोर्टेंट दे सकते हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक इसमें है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना होगा कि इस बार के एग्ज़ाम में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए। यहां से क्वेश्चन आया स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये कंपेरेटिवली नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, कला एवं स्थापत्य इसको भी उसके कंपैरिजन में नेगेटिव कीजिए, जनजातियों को भी नेगेटिव कीजिए। ठीक है, एक इसे याद कर लीजिए, इसके अतिरिक्त जनजातीय व्यक्तित्व। तो पहला जो टॉपिक है उसमें से आपको ये 4 पोर्शन मेनली ध्यान रखने हैं, प्रमुख राजवंश घटनाएं, इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता आंदोलन में ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, लोक साहित्य और जो साहित्यकार की कृतियां हैं, और जनजातीय व्यक्तित्व। इसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो दृष्टि की एक बुक आती है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन किताब है। ठीक, दूसरा पोर्शन अगर इसकी बात करें तो इसमें से कहां कहां से क्वेश्चन आए, और रेफरेंस बुक के तौर पे ये तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर मॉडर्न पढ़नी है तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप एंशियंट मिडाइवल की बात करें तो एंशियंट आर एस शर्मा से ज़रूर पढ़िए, उसके अलावा मिडाइवल सतीश चंद्रा से, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन आया, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इस पोर्शन को अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, इसको लास्ट में रखिए। ठीक है, एक वो आदि ब्रह्म समाज वाला यहाँ से आया था, इसको लास्ट में ही रखिए। इसके आगे वाले पोर्शन की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात पुनर्गठन एकीकरण, ये भी महत्वपूर्ण उतना नहीं है, पहले हम लोग उसी टॉपिक्स की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जलवायु क्वेश्चन आया इस बार और क्वेश्चन अच्छा खासा था, तो इसको क्लाइमाटोलॉजी जो है कहीं से तैयार कर लीजिएगा। और मैं वापस से मैं एक ही बुक रिकमेंड भी करता हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी मैं वही बुक सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतरीन है। तो खनिज संसाधन मींस एमपी स्पेशल का जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, वो आप किसी बुक से कवर कर सकते हैं, मैं हालांकि रिकमेंड यही करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है दृष्टि वाली। अगली बात करें भारत एवं विश्व का भूगोल, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आए, और जो नदियों वाला पोर्शन है यहाँ से 2 क्वेश्चन आए। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो प्राकृतिक भूगोल वाला पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ का मेजर पोर्शन आपको मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ इसे कवर किया है एनसीईआरटी। तो इसके लिए बिना स्किप किए हुए आप
7th to 12th NCERT जरूर पढ़ लीजिए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक संसाधन, सब कुछ वहाँ से आराम से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आगे की बात करें तो संवैधानिक व्यवस्था, ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ये है आपका सबसे ज़्यादा क्रूशियल पोर्शन। यहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो वो होंगे महापाप, वो बिल्कुल डाउन कर देंगे आपको। तो पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती गलती से भी नहीं होनी चाहिए। और जिसका कोई भी क्वेश्चन ना आए, आप हमेशा जानिए लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशियंट, ठीक है, लक्ष्मीकांत से सब कुछ हो जाएगा आराम से। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, लेकिन लक्ष्मीकांत कवर करना पड़ेगा। 100 days हैं आपके पास, बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं, बस आपको कंटिन्यूटी रखनी है। अगर आपकी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो प्रॉब्लम होगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन दिखा वो सेंसस इस बार दिखा, सेंसस के अलावा तो ऐसा कुछ खास नहीं था। तो सेंसस आप लोग पढ़ते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगले पोर्शन की बात करें तो ऊपर तो ये पॉलिटी वाला सेक्शन ही है, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक संस्था और ये सब, तो वो तो लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। लास्ट बचता है पर्यावरण, विज्ञान और पर्यावरण, ठीक है। तो इसका मेजर पोर्शन तो एनसीईआरटी से कवर हो ही जाएगा, उसको कवर करने के बाद और एग्ज़ाम से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा पूर्वावलोकन, ये पढ़ लीजिए, तो इससे आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। इन्वायरमेंट के लिए हालांकि सबसे अच्छी बुक जो होती है वो शंकर आईएस की है, पर हिंदी मीडियम के लिए उतना ना हो पाए तो शंकर आईएस के बदले आप दृष्टि आईएस की बुक को रिकमेंड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उससे आराम से काम हो जाएगा। लास्ट टॉपिक्स की कुछ बात करें तो एक है सूचना संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, तो ये पोर्शन की टेंशन ना लीजिए, इसके सारे कंटेंट मैं अवेलेबल करवाऊंगा वीडियोस के थ्रू चैनल पे, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट से इस बार आपको क्वेश्चन दिखा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से दिखा, कंप्यूटर से दिखा, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लास्ट चीज़ संवैधानिक संस्थाएँ, इसके भी वीडियोज़ मैं क्रम वाइज आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो और बाकी चीज़ें इसमें तो मिल जाएंगी आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, पॉलिटी की बुक से यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो आखिरी पोर्शन बचता है वो है ये बिजली वाला पोर्शन, करंट, और ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। पर आपको मैं बता दूँ, इस बार जो हमने वीडियोस प्रोवाइड किए थे, हालांकि पूरा कंटेंट नहीं दे पाया हम लोगों ने, लेकिन काफ़ी जो 7 या 8 वीडियो मीन्स 100 क्वेश्चन अराउंड दिए था, उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिले थे। तो करंट अफेयर के वीडियोस हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और बाकी आप रेगुलर कोई भी MP स्पेशल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये है अगले 100 days का आपको जो रणनीति बना के तैयारी करनी है, उसका सिलेबस, और बाकी की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक से कहाँ पे ख़त्म करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैनल पर जुड़े रहिए, और आपको इसके अलावा कोई भी परेशानी है तो निसंकोच शेयर कीजिए। धन्यवाद, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि MP स्पेशल ही है और इसका नाम ही MP स्पेशल लाइव है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिस्कशन जो चैनल है उसका नाम है MPPS ओनली MPPSP, यहाँ से आपको इससे जुड़ जाइए। बाकी की जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।